हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिचा और मिस समीक्षा ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। अभी मैं जा रही हूँ अपने गांव। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हरदोई में हूँ और आपको दिखाना चाहती हूँ मेरे पापा का कारखाना जो है यहीं पे। मैं यहीं पे जो गेट दिख रहे हैं यही कारखाना है हमारे पापा का। और गाइस कमेंट में बताएं आपको कैसा लग रहा है। तो ये पशु आहार फ्रेंड्स, तो अभी मैं पहुंच चुकी हूं लगभग गांव की तरफ जा रही थी, तो हरदोई से कुछ ही किलोमीटर चल पाई हूं, लगभग 2 किलोमीटर चल चुकी हूं। आगे भी मैं आपको देखिए कुछ मजार बनी हुई है और कुछ इस तरीके से यहां पे लुक है। मैं अपनी साइकिल से आई हूं, देख सकते हैं ये मेरी साइकिल है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं, हमें इधर जाना है, इधर हमारा गाँव है और हम इधर से आ चुके हैं। गाइज मैं जा रही थी गाँव हरदोई से, तो मुझे रास्ते में ये कुछ दिख गया है, खिलौना वगैरह। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं अपने गांव और अभी हम अपनी अपनी साइकिल से जा रहे हैं। तो अब ये फ्लैट वगैरह इधर पड़े हुए हैं और ये फ्लैट मिलन सिटी, ये मतलब मिलन सिटी बन चुकी है। तो अगर आपको यहाँ पे फ्लैट लेना है तो ले सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। जो आप देख सकते हैं ब्रजलालपुर लिखा हुआ है, बिजलालपुर। और हम बिजलालपुर में पहुंच चुके हैं। पहले जब मैं छोटी थी तब यहीं पढ़ती थी, यहाँ पे अंदर गांव है और गांव में एक स्कूल बना हुआ है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं बिजलालपुर में हैं। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ हरदोई के, बहुत ज़्यादा अपने गांव तरफ आ चुकी हूँ। और इधर देखिए ये कुछ इस तरीके का बंजर पड़ा हुआ है और कुछ लोग यहाँ पर बकरियाँ वगैरह चरा रही हैं, मतलब महिलाएँ, ये देखिए गाइज। और इधर साइड में जो है भाइयों का मैच चल रहा है। फाइनली अभी मैं अपने गांव पहुंचने वाली हूं, कुछ ही समय रह गया, मतलब कुछ ही दूर पे है। आगे चल के एक पेट्रोल टंकी पड़ेगी, उसके बाद हमारे गांव का चौराहा पड़ेगा। तो गाइज ये देखिए हम यहां पे आती है, ये जाती है शादीपुर और शादीपुर से जाके मैं माधापुर से हमारे चौराहे तरफ से हमारे गाँव के लिए एक रास्ता निकली हुई है। तो गाइज अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने गाँव के चौराहे पर, ये देखिए जस्ट। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, कुछ लोगों के घर बने हुए हैं और ये सर इधर खेती हुई है, तो ये सरसों लगी हुई है कुछ इस तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं अपने गांव में तो पहुंच चुकी थी काफ़ी पहले, वो मैंने वीडियो अपने पता चला कि सब लोग यहां पे खेत पे हैं, तो मैं भी खेत पे आ गई हूं डायरेक्ट हरदोई से। और मैंने बाकी तो आपको दिखाया ही था रास्ता, बाकी इतने लोग यहाँ पर हैं और 2 लोग उधर हैं और पापा जी उधर हैं, भाई भी उधर हैं, तो सभी लोग यहीं पर हैं, मम्मी नहीं है बस। तुम्हारे वीडियो बहुत बढ़िया लगती है। मेरी आ रही है दादी जी लकड़ियाँ लेकर और यह घर में मतलब खाना पीना जो चूल्हे पर बनता है उसी मैं यूज़ होंगी, तो वो बैठी है बहन, उनका नाम साइकिल बांध दियो। तो गाइज अभी खेत में खड़ी हुई हूँ और आपको दिखा सकती हूँ कि इधर साइड जो है वो सरसों है और जिस खेत में खड़ी हुई हूँ ये चारा है, इसको सुपर नेपियर बोला जाता है। तो बहुत अच्छा चारा है, एक बार लगा दो तो 6 साल या 3 साल तक लगभग ऐसा चलता है। इंडियम भारतम, अब तो 2000 लोग जाने लगे और तो जय हमारी साइकिल ही खड़ी है, देख बढ़िया लगती है कैमरा में। सौम्या के लिए लाल वाली सौम्य की तरह आई, गुलाबी हमारी तरह आई, मैं गुलाबी कलर पसंद आई। टिफिन पैक कर दीजिए, लोग चले आओ। देखो मैं चारा नोचने जा रहे हैं। कहाँ चारा नोचने जा रहे हैं? चारा काटने आई जय भैया, क्या करे गजब कर रहे हैं सब, चारा रहा तोड़ रही है आज। चोर हूँ चारा के रे, चोर चारा चोर है हमारे यहाँ, तुमने कभी देखा नहीं है? ये लोग चारा के चोर हूँ, जानते नहीं है ये लोग? नहीं मैं लोग बोल, मैं लोग चारा का चोर हूँ। ये देखो मैंने तो वहाँ भाई हमारे घरे जीवे के प्लानिंग हुई रही है वैसे तो। ये देखो मैंने तरीक तरीक चारा तोड़ के नोच नोच के तुम क्या खाई रहे हो? हम घास खाई रहे हाथी देखे मकोया कैसी है, नौ लोन दिखाई दी जाए होती करे मकोया, इनका खाई बहुत बढ़िया सेहत रहती करे। हम छोटे हैं तब हम खाई होती तन खूब, ये बहुत खाई होती करे, ये बहुत अच्छी होती है। हाँ जय तो कच्ची है, ये पकी जाती करे, करिया करिया हो जाती करे, बहुत बढ़िया लगती है। हम लोग बहुत खाई जाती है, जय पक जाती है तब हम बहुत खाई करे। हाँ भाई तो हमारे गाँव जो भाई है ऐसो कुछ पको मिल जाए, चना मटोर एक होती करे, मतलब मकोया से बड़ो होते भाई कब खाई जाती है। सस्ता मैया चना मिल जाती, खाई फोन पकड़े हैं कैसे दे दे।
सही बात है जो बूढ़े वाले खाएं। यही तो चुगले चलाती है भाई, पद लकड़ी लेना उती फिर खेत हम चारा नोच रहे। थैंक यू सो मच।